हेलो स्टूडेंट्स, आपका बाय बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइपिफिकेशन, इससे पहले हमने पार्ट वन में आईसीबीएन के इंट्रोडक्शन उसके प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट टू में आईसीबीएन के सेकंड प्रिंसिपल टाइपिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जो सेकंड प्रिंसिपल था हमारे पास टाइपिफिकेशन का, द नेमिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम कोई एक मेंबर को चूज करेंगे, उसी की बेस पे हम पूरे ग्रुप को नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो फैमिली है ब्रासिकेसी, जो ब्रासिकेसी फैमिली में जो ब्रासिका है वो एक जीनस है, तो जो जीनस है उसी की बेस पे हमने पूरे ग्रुप को एक नाम दिया है, फैमिली ब्रासिकेसी का। तो हमने एक जो जीनस था वो ब्रासिका था, तो हम कह सकते हैं वो हमारे पास एक नोमेनक्लेचर टाइप था। अगर हम देखें तो हमारे पास जो नोमेनक्लेचर टाइप होता है वो सिक्स टाइप का होता है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में नोमेनक्लेचर टाइप को समझने में हेल्प आउट करेंगे। टाइपिफिकेशन होता क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेसिमेन दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर स्पीशीज। और स्पेसिमेन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कलेक्टेड, प्रिजर्व एंड यूज फॉर साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन। ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट जिसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, फिर हम उसको साइंटिफिक स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं। तो टाइपिफिकेशन में क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्पेसिमेन, वो स्पेसिमेन जो पार्ट हम कलेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर स्पीशीज और टैक्सोन, जो कि पूरे टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमने एग्जांपल को डिस्कस किया है ब्रासिकेसी फैमिली को, तो उसमें जो जीनस था ब्रासिका, तो हमें जीनस ब्रासिका के एक किसी स्पीशीज को हमने कलेक्ट किया है, उसको प्रिजर्व किया, उसको स्टडी किया है, और उसी जीनस ब्रासिका की बेस पे हमने पूरे ग्रुप को नाम दिया है ब्रासिकेसी फैमिली। स्पेसिमेन का नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी होल ऑर्गेनिज्म सच एज ए प्लांट। तो हमारे पास जो हम कलेक्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म का पार्ट, वो कोई पार्ट भी हो सकता है या होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अथॉरिटी क्या होता है? द पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्स ए न्यू स्पीशीज एंड गिव इट ए नेम्स बिकम द अथॉरिटी। कोई भी प्लांट की स्पीशीज को जो पर्सन फर्स्ट डिस्क्राइब करता है वो उसका ऑथर कहलाता है। इट इज दैट एलिमेंट विद विच द नेम ऑफ टैक्सोन इज परमानेंटली एसोसिएटेड। एंड जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो पूरे टैक्सोन को शो कर रहा होता है, उसी के साथ एसोसिएटेड होता है, उसी की बेस पे, नोमेनक्लेचर टाइप की बेस पर ही हम उस टैक्सोन को नाम गिवन करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है होलोटाइप। कोई भी पर्सन वर्ल्ड के किसी रीजन में जाता है, वहां पे एक्सप्लोर करता है फ्लोरा को, वहां पर उसे काफी ज्यादा प्लांट्स मिलते हैं जो पहले आइडेंटिफाई नहीं हो चुके होते, तो वो उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको नेम गिवन करता है और वापस आकर कहता है कि मैंने कुछ प्लांट्स आइडेंटिफाई किया, उनको नेम गिवन किया है। तो उसकी बात को नहीं एक्सेप्ट किया जाता जब तक उसके पास कोई एविडेंस नहीं होते। तो वो पर्सन उसी सेम प्लेस पे जाता है, उस प्लांट्स को कलेक्ट करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है हर्बेरियम फॉर्म में। मैंने आपको बताया जो हमारे पास हर्बेरियम फॉर्म में होता है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास हर्बेरियम फॉर्म है। कलेक्ट करने के बाद इसको प्रिजर्व किया जाता है और प्रिजर्व करने के बाद इसे रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो इसे पब्लिश करेगा, तो वो हमारे पास होलोटाइप होगा। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज ए स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन एज द नोमेनक्लेचर टाइप। जो पर्सन किसी भी स्पीशीज को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेगा तो वो हमेशा एक स्पीशीज को कलेक्ट नहीं करेगा, वो एट ए टाइम जब वो कलेक्ट करेगा तो वो फोर कलेक्ट करेगा। फोर हो सकते हैं, वो जितनी भी वो होगा कलेक्शन करेगा लेकिन एक नहीं करेगा। हो सकता है वो पब्लिश करते वक्त, रिप्रेजेंट करते वक्त जो उसने एक से होलोटाइप सेलेक्ट किया था, सैंपल कलेक्ट किया था, वो डैमेज हो जाए। चार जो हमारे पास सैंपल हो गए वो उनमें से वो सिलेक्ट करेगा जो सबसे बेहतर होगा, जिसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, वो सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने इस प्लांट को रिप्रेजेंट किया है, इसको पब्लिश किया है, तो ये उसका होलोटाइप होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास होंगे वो उसके आइसोटाइप होंगे। जो बाकी सैंपल होते हैं वो उसको प्रेजेंट नहीं करता, फर्स्ट रिपोर्ट में उसको पब्लिश नहीं करता, इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट सैंपल होगा जो वो पब्लिश रिपोर्ट में करता है, हमारे पास होलोटाइप होगा। बाकी जो उसके सैंपल होंगे वो उसके पास आइसोटाइप होंगे। अगर हो सकता है उसके पास जो प्रेजेंट करते वक्त डैमेज हो जाए या मिसिंग हो जाए, तो फिर उसके पास चॉइस होती है, वो आइसोटाइप होगा। बाकी फिर वो इन तीन जो हमारे पास कलेक्शन होंगी वो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेगा, उसको ड्राई करेगा, उसको हर्बेरियम शीट करके उसको प्रेजेंट करेगा। जो उसके पास सेकेंड चॉइस होगी आइसोटाइप के बाद, जो फर्स्ट प्रीफर होगी वो उसकी हालोटाइप होगी। जो हमारे पास होलोटाइप था वो सेम प्लेस, सेम टाइम और सेम पर्सन ने आइडेंटिफाई किया था, तो आइसोटाइप भी उसी उसी टाइम, उसी प्लेस और उसी सीजन में उसने कलेक्ट किया था, तो ये हमारे पास आइसोटाइप होगा। आइसो मीन सेम, टाइप मीन्स जो हमारे पास नोमेनक्लेचर टाइप है। नेक्स्ट में हमारे पास है सिन टाइप।
सिन टाइप क्या होता है? अगर हमारे पास होलोटाइप भी मिसिंग है, आइसोटाप भी मिसिंग है, यानी जो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिफायर था, आथर था, वो होलोटाइप और आइसोटाप को किसी रीजन से उसको प्रेजेंट नहीं कर सका, उसके पास होलोटाइप भी मिसिंग हो गया और आइसोटाइप भी मिसिंग हो गया, तो फिर उसी प्लांट को कोई और आथर उसी प्लेस पे जाएगा, उसी सीजन में, उसी टाइम में उसको कलेक्ट करेगा और उसको प्रेजेंट करेगा। इफ फर्स्ट डिस्क्राइबर डज नॉट डिजाइन ए होलोटाइप एंड ओरिजिनल होलोटाइप एंड आइसोटाइप इज मिसिंग, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, ए डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप बाय एन ऑथर डिस्क्राइबर देन द अदर फर्स्ट वन, तो जो हमारे पास सेम टाइप होगा वो डुप्लीकेट होगा होलोटाइप को, क्योंकि सेम सीजन सेम टाइम और सेम प्लेस से कलेक्ट किया गया है लेकिन पर्सन सेकेंड है। अगर हमारे पास होलोटाइप भी मिसिंग है और आइसोटाइप भी मिसिंग है, उसके बाद सिन टाइप जो होता है वो भी मिसिंग है, सेकंड पर्सन उसको कलेक्ट नहीं कर सकता, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे पैरा टाइप को जो डुप्लीकेट होगा होलोटाइप का फ्रॉम एन अदर सीजन का, कोई और पर्सन जाएगा उसी प्लांट को कलेक्ट करेगा उसी रीजन से लेकिन वो डिफरेंट सीजन में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्स्ट साइंटिस्ट ने उसको विंटर में कलेक्ट किया था तो दूसरा पर्सन जाएगा वो उसको समर में कलेक्ट करेगा, जो पैराटाइप होता है वो किसी दूसरे सीजन में कलेक्ट किया हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है न्यूओटाइप। न्यूओटाइप क्या होता है? अगर आपके पास चारों के चारों नॉर्मल क्लेचर टाइप मिसिंग हो जाए, होलोटाइप भी, आइसोटाइप भी, पैराटाइप भी, सेम टाइप भी, फिर आप न्यूओटाइप को सिलेक्ट करेंगे। न्यूओटाइप क्या होता है? अगर उसी प्लांट का किसी भी जगह से आप कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद उसी प्लांट का अगर आपको कोई भी पार्ट हो तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसका कोई ट्विग हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आप उसी जगह पे जाके उसी चीज को कलेक्ट करें, वो किसी भी वर्ल्ड के रीजन में हो सकता है, किसी भी प्लेस पे हो सकता है, किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन ये लाजमी होना चाहिए कि उसी प्लांट का ही पार्ट हो। यूज फॉर नोमन क्लेचर एज लॉन्ग एज ऑफ ऑल द मटीरियल ऑन विच द नेम ऑफ एक्सॉन वाज बेस इज मिसिंग, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इट इज ए स्पेसिमेन सिलेक्टेड टू सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द होलोटाइप व्हेन ऑल मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ द टैक्सोन वाज बेस इज मिसिंग, जो हम अपनी तरफ से न्यू उसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू पब्लिश करेंगे, तमाम जो हमारे पास नोमेनक्लेचर टाइप होंगे वो मिसिंग हो जाएंगे, फिर हम जिसको प्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास न्यू टाइप होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है टोपो टाइप। कोई भी हमारे पास आथर होता है, सेकंड पर्सन होता है, वो उसी प्लेस से जाके उस प्लांट को कलेक्ट करता है जहां से होलोटाइप वाले फर्स्ट आइडेंटिफायर ने कलेक्ट किया था, तो हम उसे टोपो टाइप कहेंगे। स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम वेयर द होलोटाइप वॉज कलेक्टेड, तो ये हमारे पास थी नोमन क्लेचर की टाइप। ये वो टर्म्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन होती है, जब वो हाई लेवल पर भी पहुंच जाते हैं तो वो उनको ये डेफिनेशंस इनके बारे में पता तो होता है लेकिन इनके बारे में कंसेप्ट नहीं होता। जब आप किसी भी रिसर्च में जाते हैं तो ये आपको उस वक्त बहुत ही हेल्प आउट करेंगी। तो होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिन टाइप, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास क्या कौन सी मिसिंग हो, फिर हम कौन सी नोमन क्लेचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे, अगर वो भी मिसिंग हो फिर कौन सी सिलेक्ट करेंगे, और उसके आइडेंटिफायर कौन होता है, उसके लोकेशन, सीजन, तो इन सब चीज़ों का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रूल्स और इसकी रिकमेंडेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको जितना भी ये PDF है, कंटेंट है, तो आपको मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।